बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं खैबर पोस्ट के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। ये इसमें हम जो है प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन, उसका सेल, उसका परचेज़, उसकी पूरी इन्वेंट्री हमारे पास बनती है। पहले यूज़र लॉगिन हो जाता है, इसमें दो तरह के यूज़र होते हैं, एक एडमिन होता है, एक यूज़र होता है। तो होम पर आके यहाँ प्रोडक्ट्स में आके हम प्रोडक्ट रजिस्टर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये अब मेरे पास सारे ऐड हैं, इनका लिस्ट भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ जो मेरे पास ऐड है। ये ऑलरेडी मैंने ऐड किया सिस्टम में। तो यहाँ पर इनकी इन्फॉर्मेशन, इनका नाम, कास्ट प्राइस, और कास्ट प्राइस या प्रॉफिट रेट या सेल प्राइस में एक को इंटर करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं टेस्टिंग के लिए एक दे देता हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, तो इसका कास्ट प्राइस ये है और सेल प्राइस जो है 120 है। अगर ये बढ़ता है तो मैं इसको 130 करता हूँ यहाँ से, तो इस तरह इसकी चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाती है। मैं अपडेट करता हूं तो ये सिस्टम में जाके अपडेट होता है। अगर नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो वो फिल करके यहां से सबमिट करेंगे तो नया आइटम हमारे पास ऐड हो जाता है। फिर इसकी सेल कैसी होती है, वो यहां POS पे आके हम आइटम का कोड भी दे सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर POS में आके इसको सेल करता हूँ, पेप्सी 1.5 जैसे ही मेरे का सजेशन में एंटर मारा तो ये आ गया 130 प्राइस का। ठीक है, क्वांटिटी अगर ये बंदा मुझसे दो लेना चाहता है, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट भी लेना चाहता है, इसको भी मैं सेल करता हूँ। ये टैबलेट्स भी है मिसाल के तौर पर इसमें, तो इसका बिल बनता है 266 रुपये। मैं इंटर मारता हूँ तो कर्सर ये एडवांस पे आ जाता है इधर, और मैंने लिखा 300 रुपये उसने मुझे दे दिए हैं, तो ये मैं 300 लिखता हूँ, इंटर मारता हूँ तो ये बिल जनरेट हो जाता है। ये तीन आइटम्स थे और इनका ये बिल बना। ये बिल ऑटोमेटिकली अगर हमारे पास थर्मल प्रिंटर कनेक्टेड हो और यहाँ सेटिंग्स में आके हमने ऑटोमेटिक प्रिंट इनवॉइस ऑन किए हों तो ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है, और ये जो शो होता है ये हम यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, तो फिर हमारे सामने नहीं आएगा। और ये बिल जब वो हो जाता है तो इधर हमारे पास आता है कि ये इस आइटम की क्वांटिटी रिमेनिंग इतनी हो गई है, इसकी इतनी हो गई है, इसकी इतनी हो गई है। अगर क्वांटिटी हमारे पास ख़त्म हो जाए तो वो रेड कलर में फिर आता है। अच्छा, यहाँ से बिल बनता है POS से, और प्रोडक्ट से जो है आइटम की रजिस्ट्रेशन होती है, और परचेज से हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो वो प्रोडक्ट लिस्ट में या स्टॉक में आकर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। अच्छा, रिकॉर्ड्स में आकर हमारे पास रिपोर्ट्स बनते हैं। रिपोर्ट्स में हम टुडे का अगर ये बड़ी बटन क्लिक करें तो ये पूरा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है कि सेल इतना हुआ है टोटल, उसमें प्रॉफिट इतना हुआ है, रिफ़ंड कुछ भी नहीं हुआ, और इस तरह परचेजेस का सेक्शन भी यहाँ। ये हम दो डेट्स के दौरान किसी भी डेट का हम दे सकते हैं, वो रिपोर्ट हमारे पास बन जाता है। इसके अलावा हम टोटल स्टॉक भी देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल स्टॉक अभी कितना है, तो ये उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। मैं स्टॉक हिस्ट्री देखना चाहता हूँ कि किस डेट को मेरा स्टॉक कितना था, तो वो रिपोर्ट्स इधर मेरे सामने शो हो जाते हैं। और प्रॉफिट एंड सेल का स्टेटमेंट मैं देखना चाहता हूँ, वो भी आ जाता है। प्रॉफिट डिटेल्स में देखना चाहता हूँ आज की, तो आज मैंने ये तीन आइटम सेल किए हैं और इसमें इतने इतने प्रॉफिट हो गए हैं आइटम वाइज। अगर मैं प्रॉफिट को कैटेगरी वाइज देखना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो जनरल जो मेरी कैटेगरी है उसमें मैंने इतने हुए, लोकल वाली में इतने हुए, और मल्टीनेशनल वाली में मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, ये ग्राफ में भी शो हो जाता है। अच्छा, मैं कहता हूँ मुझे कैटेगरी वाइज स्टॉक दिखाओ, तो ये मुझे कहता है कि इटाची के आपके पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीनेशनल के इतने हैं, और ये इस तरह इसके रिपोर्ट्स बनते जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी चूँकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो थोड़ी इंट्रोडक्शन और इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।